हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की MRS अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी, जिस पर आज भी आपकी वीडियो रहेगी। इससे पहले भी मैं इस पर काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं, आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इफ टोटल एसेट इज ₹10,000, टोटल लाइबिलिटी इज ₹10,000 एंड टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 5,000। यहाँ पर आपकी चीजें दे रखी हैं कि आपको बताया है कि आपकी टोटल एसेट 10,000 है, लाइबिलिटी जो टोटल है वो 10,000 है और कैपिटल क्या है 5,000 की है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लाइबिलिटी की राशि बताइए। तो आपने बैलेंस शीट के जो दो साइड होते हैं, एक लाइबिलिटी होता है दूसरा एसेट होता है, तो मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग की इक्वेशन जो होती है, लेखांकन समीकरण जो होते हैं वो बताए थे। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको दोनों साइड का टोटल बता दिया है और उसमें साथ में कैपिटल अलग से दे दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो अदर लाइबिलिटीज होती हैं वो कितनी होंगी। उसके लिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपकी टोटल एसेट दे रखी है उसमें से हम जो कैपिटल की अमाउंट है उसको लेस कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमारी लाइबिलिटी कितनी थी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल एसेट 10,000 की है और कैपिटल है 5,000 की, लेस कर दीजिए, आपको पता चल गया लाइबिलिटी है आपकी 5,000 की। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको टोटल लाइबिलिटी का अमाउंट बता दिया है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ देखना ही है कि टोटल एसेट और जो आपकी कैपिटल दे रखी है उससे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको ध्यान में रखिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्नीचर फॉर ₹90,000, कैश ₹1,00,000, डेटर ₹10,000, अदर एसेट ₹1,000 एंड ओनर्स इक्विटी इज ₹90,000। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन? किसी संगठन में जो फर्नीचर है वो 90,000 का है, नकदी जो है वो 1,00,000 की है, जो देनदारियां हैं वो 10,000 की हैं, अन्य परिसंपत्तियां 1,000 की और समता जो समतांश पूंजी है वो 90,000 की है। आपको ये बताना है कि संगठन का दायित्व कितना होगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही लिया गया है। बस यहाँ पर आपको टोटल एसेट ना बता करके उन्होंने एसेट को अलग अलग करके बता दिया है। आपको जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे, आप इसको ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैलेंस शीट बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, जो चीजें हमारी एसेट साइड में आती है उसे हम एसेट साइड में लिख लेंगे। फर्नीचर आ जाएगा 90,000 का, कैश आ जाएगी 1,00,000 की, जो आपके डेटर्स हैं 10,000 के वो आ जाएंगे और जो अदर एसेट दे रखी है 1,000 की वो आ जाएगी एसेट साइड में। टोटल आ जाएगा 2,01,000 का। और दूसरे साइड जो लाइबिलिटी है वहां पर सिर्फ हमको एक चीज पता है, कौन सी, जो इक्विटी दे रखी है हमारी 90,000 की। 90,000 लिख लीजिए, उसके बाद हम लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दायित्व कितना है। कितना आ जाएगा? 1,11,000। वही हो जाएगा हमारा आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिर्फ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर दिखानी है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी? निम्न में से कौन सा शेयर धारक की समता का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो ओनर्स इक्विटी होती है, शेयरधारी होते हैं उनकी जो समता होती है, उनकी जो अंश पूंजी होती है उसमें हिस्सा नहीं माना जाता है किसको? रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय, कैपिटल स्टॉक, पूंजी स्कंद, एडिशनल पेड इन कैपिटल, कुल राशि पर अतिरिक्त भुगतान किया गया, लोन्स पेबल, देयर। यहाँ पर क्या चीज ओनर्स इक्विटी में नहीं शामिल की जाएगी या शेयर होल्डर इक्विटी में शामिल नहीं की जाएगी? जो लोन्स पेबल होते हैं, देयर होते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। बाकी तीनों भी चीजें जो होती हैं वो ओनर्स इक्विटी में या फिर शेयर होल्डर्स फंड में आती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस द डिफरेंस इज नोन एज। यदि वास्तविक हानि पूर्वनिर्धारित हानि से कम हो तो यह भेद कहलाता है। यानी कि जो एक्चुअल में लॉस हुआ है और जो हमने पहले से प्री डिटरमाइंड यानी पहले से ये अंदाजा लगाया था, एक अनुमान लगाया था कि इतना लॉस हो सकता है, उससे कम लॉस हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, नन ऑफ दिस। तो इस तरह का लॉस क्या हो जाता है आपका? अबनॉर्मल गेन कहलाएगा, क्योंकि जितना आपने सोचा था उससे कम आपका लॉस हुआ है, तो डिफरेंस जो है वो आपकी लाभ हो जाएगा, असामान्य लाभ, अबनॉर्मल गेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेन अर्निंग इज, प्रतिधारित आय है,
अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लाभ का विनियोग, एस्टिमेट्स ऑफ प्रॉफिट लाभ का अनुमान, एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट लागत का अनुमान, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, जो रिटेन अर्निंग होती है, प्रतिधारित आय होती है, वो क्या होगी? तो जो प्रतिधारित आय होती है, तो संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पहले के टाइम में जो पहले के वर्ष थे, ईयर्स थे, उसमें जो उसने लाभ कमाया था, उसको जो प्रॉफिट हुआ था, उसका एक हिस्सा होती है जिसको कि उसने डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा है, नहीं दिया है, तो वो निवेश के लिए या लाभांश बांटने के लिए उसे अलग से अपने पास रख सकती है, तो वो हो जाता है आपका प्रतिधारित आय। तो ये लाभों का एक विनियोग है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ऑटोलाइट लिमिटेड शोज द बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस एंड करेंट ईयर ऑफ रिटेन अर्निंग ₹25,000 एंड ₹35,000। इफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर अमाउंट टू ₹5,000, देन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी। ऑटोलाइट लिमिटेड की संक्षेप यानी कि जो बैलेंस शीट है, वो पिछले और चालू वर्ष की जो प्रतिधारित आय है, उसकी शेष राशि ₹25,000 है, और जो पिछले वर्ष की और जो करेंट ईयर है, उसकी जो रिटेन अर्निंग है, वो ₹25,000 और ₹35,000 की दिखा रही है। यदि चालू वर्ष जो आपका करेंट ईयर चल रहा है, उसमें जो लाभांश है वो ₹5,000 का पे किया गया है, तो आपको ये बताना है कि जो अभी करेंट ईयर चल रहा है, उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है। यहाँ पर इसको निकालने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसको निकालने के लिए क्या करना है, अर्न प्रॉफिट कितना है 35,000 का, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 25,000, आप उसको लेस कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा बिफोर पेइंग डिवाइजेबल प्रॉफिट कितना आया, कितना हो जाएगा 10,000 का, और प्लस आप पेमेंट जो है वो भी डिविडेंड का जो आपने किया था 5,000 का, उसको ऐड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट आया है अभी करेंट में हमने अर्न किया है, वो हो जाएगा हमारा 15,000 का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला 1-T1 EPS अपॉन MP इनटू 100 में बी यूज्ड फॉर। यहाँ पर एक जो फॉर्मूला आपका दे रखा है, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है या किस लिए यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, समता पूंजी की लागत निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय की लागत निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अधिकांश पूंजी की लागत के लिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, पूंजी की लागत के लिए। तो आपको ये बताना है जो फॉर्मूला दे रखा है वो कहाँ यूज होता है या किस चीज को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला यूज होता है आपका जो रिटेन अर्निंग होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्योंकि जितनी भी आप कैपिटल लगी होती है, उस सबका भी एक लागत आती है, कॉस्ट आती है, इसीलिए इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, उन सबका या डिबेंचर्स हो, तो उन सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाती है, तो रिटेन अर्निंग की भी निकाली जाती है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिटेन अर्निंग का, प्रतिधारित आय का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्निंग्स दैट हैव ए कम्युलेटिव अमाउंट आर नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर एज अ डिविडेंड इज नोन एज। प्राप्तियां जो एक संचित राशि है और अंशधारकों को लाभांश के रूप में नहीं दी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? यहाँ पर एक तरह से एक कंप्लीट डेफिनेशन दे रखी है। अभी मैंने आपको समझाया था रिटेन अर्निंग के बारे में कि जो पिछले कई वर्षों का जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसको संचित करके रखा जाता है, वो रिजर्व में रखा जाता है, और उसे लाभांश के डिविडेंड के तौर पर नहीं बांटा जाता है, वो कहलाता है रिटेन अर्निंग, प्रतिधारित आय। तो एक आंसर होगा यहाँ पर प्रतिधारित प्राप्ति यानी कि रिटेन अर्निंग। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ 12 दिसंबर विल अपेयर ऑन। 12 दिसंबर माह का अदद किराया दिखाया जाएगा। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, रोकड़ पुस्तक के डेबिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, रोकड़ पुस्तक के क्रेडिट पक्ष में, आइदर साइड किसी भी पक्ष में दिखा सकते हैं, या फिर नोवेयर कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा। तो जो आपकी कैश बुक बनती है, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने अपलोड करी थी, वहाँ कैश बुक के बारे में आपको बताया था, जो कैश बुक बनाई जाती है, वहाँ सारी जो भी नगद में, जो भी कैश में आपने पेमेंट किए हैं या जो भी आपको कैश में रिसीव हुआ है, सिर्फ उसको ही दिखाया जाता है, बाकी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पर क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, तो उसे आप जो कैश बुक बनाएंगे उसमें कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे, ना ही रिसीविंग में, ना ही पेमेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु व्यापारिक खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती? परचेज, ग्रॉस लॉस, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है
कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में नहीं दिखाते हैं। तो डेबिट साइड में क्या क्या दिखाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, परचेज दिखाते हैं, जो आपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट किए होते हैं वो दिखाया जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो दिखाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है वो परचेज भी दिखाएंगे, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसको भी दिखाएंगे, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको भी दिखाएंगे। क्या नहीं दिखाएंगे, जो ग्रॉस लॉस दे रखा है यानी कि जो सकल हानि है उसे नहीं दिखाते हैं। सकल हानि किसमें दिखाई जाती है, जो आपका क्रेडिट साइड होता है वहां दिखाई जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। यहाँ पर ये नहीं दे रखा क्रेडिट में या डेबिट में, बस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में उसकी एंट्री की जाती है या नहीं की जाती ये पूछा गया है। पावर एंड फ्यूल, शक्ति और ईंधन, सैलरीज टू ऑफिस स्टॉक, कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन, रिपेयर्स टू मशीनरी, मशीनरी की मरम्मत, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस कार, कार्यालय कार पर मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर कौन सी मत को दिखाया जाता है, जो तो जो पावर एंड फ्यूल दे रखा है, शक्ति और ईंधन, उसको ही दिखाया जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ जो होगी वो, बाकी जितनी भी चीजें हैं सब किस में जाती हैं, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वहां पर दिखाई जाती हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लाभ और हानि खाते के डेबिट पक्ष में नहीं दिखाई जाती। यहाँ पर पूछा है आपसे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके डेबिट साइड में क्या चीज नहीं दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो ऑडिट फीस, ऑफिस रेंट और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तीनों ही दिखाए जाते हैं डेबिट साइड में, लेकिन जो आपके कैरेज इनवॉल्व दे रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, बल्कि कहाँ दिखाया जाता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं वहां पर हम जो डेबिट साइड होता है उसमें दिखाते हैं, क्योंकि ये आपका एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इस वजह से। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 18,000, परचेजेस 78,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,06,000 एंड सेल्स 1,49,000। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सकल लाभ या हानि की राशि क्या होगी अगर जो प्रारंभिक स्टॉक है वो 18,000 का दे रखा है, क्रय 78,000 का है, बेची गई वस्तुओं की लागत 1,06,000 की है, और साथ ही जो विक्रय है वो 1,49,000 का है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी हो सकता है वो निकालना है। 44,000 प्रॉफिट, 42,000 प्रॉफिट, 43,000 प्रॉफिट या फिर 43,000 का लॉस। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को मतलब ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको बता दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट ही पता चल गया है और सेल दे रखी है, तो सेल में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। यहाँ पर हमें जो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस है उसको देखना ही नहीं है, सिंपल है बहुत, सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पर जो सेल है उसमें से डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दीजिए, आपका निकल आएगा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल हमारी क्या है, 1,49,000 की है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,06,000 का है। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 43,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 43,000 का प्रॉफिट आएगा। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेट प्रॉफिट इज 20,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 35,000 एंड देयर आर नो इनकम्स अदर देन सेल्स टर्नओवर, हाउ मच शैल बी द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको नेट प्रॉफिट बताया है 20,000 का और आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है 35,000 का, और यहाँ पर कह रहा है कि जो सेल्स को जो एक्सपेंसेस किए गए हैं उसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और नेट प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उससे निकालते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसकी। और नेट प्रॉफिट निकल के, क्योंकि डेबिट या आपका क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में निकल करके बैलेंस ही फिगर में आता है। तो ऑलरेडी दे रखा है तो उसे नोट कर लेंगे, 20,000 का आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो 35,000 में से 20,000 आप लेस कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 15,000। तो यही 15,000 हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें कुछ आपको नहीं करना है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल से इजी से क्वेश्चंस हैं,
से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कैसे चीजों को रख करके आपको निकालना है, कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों प्रॉफिट देख करके। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कब कैसे निकल करके आती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।